हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल फाइंडिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म पैनल है उसको कैसे यूज करना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। एंड ट्रांसफॉर्म पैनल के साथ साथ ट्रांसफॉर्म ईच एक ऑप्शन आता है, उसको भी कैसे यूज करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, स्किप मत करना अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म पैनल को सीखना है। एंड जैसे कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप पे आ जाए। एंड उसी के साथ इस वीडियो को क्लिक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी मैं स्क्रीन पे हूँ एंड यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल एंड बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। विंडो पे जाने के बाद अगर ट्रांसफॉर्म पैनल को ओपन करोगे यहाँ से तो आपका ट्रांसफॉर्म पैनल जो है ओपन हो जाए, लेकिन अभी भी कोई ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तभी आपका ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मूव का, स्केल का, शेयर का, रोटेट का, सारा एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एंड वाई वैल्यू आपको दिख रहा है, ये आपका मूवमेंट के लिए है। अगर मैं एक्स का वैल्यू इंक्रीज करूँ तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेस में मूव करेगा, ठीक है, राइट साइड में। अगर मैं डिक्रीज करूं तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है लेकिन बैकवर्ड साइड, राइट। ऐसे ही आप एक्स एक्सिस का वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके आप अपना ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। एंड अगर आप वाई वैल्यू को देखो तो वाई वैल्यू को भी आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो, उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में मूव करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास विड्थ। आप ऑब्जेक्ट का विड्थ इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो दोनों साइड से रेक्टेंगल का विड्थ इंक्रीज हो रहा है। उस हिसाब से हाइट का भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो वैल्यू, उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट होता है स्केल। तो आपको यहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ स्केलिंग का भी ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखना है, एक ही पैनल के अंदर आपको दो चीज तो मिल चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे चलोगे, तीसरा चीज वो है रोटेट। आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे 360 डिग्री आप जो है अपना ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक ही पैनल में आपको मूवमेंट, स्केलिंग, रोटेशन सारा कुछ ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ रेक्टेंगल को 180 डिग्री, तो आप देख सकते हो हमारे सामने जो है ये रोटेट हो रहा है 180 डिग्री। अभी इसके बाद हमारे पास शियर का एक ऑप्शन मिलता है। अगर शियर का वैल्यू इंक्रीज करो तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल शियर हो रहा है। शियर का एक मैं इंडिविजुअल क्लास ले चुका हूँ, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके शियर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो एंड आप जाके वीडियो को देख सकते हो। अभी और क्या ऑप्शन मिलता है, ये तो कॉमन ऑप्शन है सारे ऑब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, लेकिन ये रेक्टेंगल है तो कुछ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज भी मिलता है। ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज के अंदर में बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपका हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज मीन्स स्केलिंग करने के लिए यहाँ का ऑप्शन मिलता है। कंस्ट्रेंट क्या है, ये जो बीच में चेन देख रहे हो ये कंस्ट्रेंट, इसको अगर ऑफ रखोगे एंड उसके बाद विड्थ का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो हाइट फिक्स है, हाइट का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ से अगेन आप रेक्टेंगुलर रोटेट का ऑप्शन मिलता है, आप रेक्टेंगल को रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कॉर्नर रेडियस का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मैं कॉर्नर रेडियस इंक्रीज करूँ आप देख सकते हो रेक्टेंगल का कॉर्नर रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सबके वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? कंस्टेंट ऑन है, कंस्टेंट को ऑफ रखोगे आप इंडिविजुअल कॉर्नर को भी दे सकते हो रेडियस, आप कोई भी चारों कॉर्नर में से कोई भी वैल्यू किसी में भी दे सकते हो, आपको कंस्टेंट मीन्स जो चेन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन और दो आते हैं। अभी हमारे पास आता है स्केल कॉर्नर एंड स्केल स्ट्रोक्स का एक ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी आपको जानना जरूरी है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉर्नर रेडियस को स्ट्रेट कर लेता हूँ, मीन्स जीरो कर लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ रेक्टेंगल को। अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हल्का से कॉर्नर रेडियस अप्लाई करता हूँ, चारों कॉर्नर में अप्लाई हो चुका है। अभी अगर इसे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं बताता हूँ स्केल कॉर्नर का क्या काम, अगर स्केल कॉर्नर को अनटिक रखोगे तो आपका कॉर्नर फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स नहीं रहेगा इन द सेंस अगर आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हो तो भी वही साइज का रह जाएगा, लेकिन अगर फिक्स करते हो तो ऑब्जेक्ट इंक्रीज होते होते आपका स्केल कॉर्नर जो कि कॉर्नर है वो भी स्केल होगा उसी साइज का जो साइज का आप हाइट एंड विड्थ रखोगे, उस हिसाब से आपका कॉर्नर भी स्केल होगा। जैसे देख सकते हो स्केल कॉर्नर को टिक करके अगर मैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज करूँ तो हाइट एंड विड्थ के हिसाब से आपका कॉर्नर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं ऑफ रखूँ एंड तब डिक्रीज करूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है
छोटा होते होते ये आपका राउंडेड कॉर्नर ले ले रहा है। तो यहाँ से स्केल कॉर्नर हमेशा ऑन रखना है ताकि जब भी आप स्केल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करो आपका वैल्यू फिक्स रहे एंड आपका वैल्यू हाइट एंड विड्थ के साथ इंक्रीज रहे, मतलब फिक्स रहे। ऐसे ही अगर स्केल स्ट्रोक्स को भी आप टिक रखोगे तो हाइट एंड विड्थ के हिसाब से आपका स्ट्रोक्स फिक्स रहेगा। अगर ऑफ रखोगे तो आपका छोटा करते करते ऑब्जेक्ट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा एंड बड़ा करते करते छोटा हो जाएगा स्ट्रोक्स। तो हमेशा आपको ये दो वैल्यू टिक रखना है ताकि आप कभी भी स्केल करो, मींस बड़ा या फिर छोटा करो साइज को, तो आपका कॉर्नर या फिर स्ट्रोक दोनों पे कोई इफेक्ट ना है, वो स्केलिंग के हिसाब से फिक्स हो जाए। तो ये दो ऑप्शन आपको हमेशा टिक रखना है। ओके, अभी इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्म पैनल का सारा ऑप्शन जो है हो चुका है कंप्लीट। मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ एंड ये सारे ऑप्शन जो है आपको एक ही पैनल में मिलते हैं, वो है ट्रांसफॉर्म पैनल। एंड इसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन रहता है, वो है ट्रांसफॉर्म ईच का। वो ग्रुप ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है, लेकिन ग्रुप में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। एंड यहाँ पे और एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जैसे कि मैं इसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला टॉप लेफ्ट, एंड उसके बाद मैं जो है इसका स्केलिंग करता हूँ, तो आप देख सकते हो रेफरेंस पॉइंट जो है फिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको विड्थ इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सिर्फ राइट साइड में जो है विड्थ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने लेफ्ट टॉप कॉर्नर को फिक्स कर दिया है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर सकते हो। अभी लेफ्ट टॉप कॉर्नर फिक्स है, आप राइट टॉप कॉर्नर को फिक्स कर सकते हो, सेंटर को फिक्स कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर सकते हो, उस हिसाब से आपका जो है स्केलिंग या फिर मूवमेंट या फिर रोटेशन अप्लाई होगा। रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। जैसे कि मैं ये रेफरेंस पॉइंट को फिक्स रख के मूव करूंगा, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में मूव तो होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखो हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज करो तो आप देख सकते हो सिर्फ राइट साइड में मूव हो रहा है, क्योंकि स्केल हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड हमने फिक्स रखा। तो आप कोई भी पॉइंट को फिक्स कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट यहाँ से चूज कर, राइट। अभी मैं ये सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ये क्योंकि ग्रुप है तो अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस में मूव करूंगा या फिर वाई एक्सिस में मूव करूंगा तो ये ग्रुप में मूव होंगे, आप जैसे कि देख सकते। इसीलिए ट्रांसफॉर्म ईच का एक ऑप्शन होता है जो कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई। ट्रांसफॉर्म से आप ग्रुप ऑब्जेक्ट को मूव या फिर स्केल तो कर सकते हो या फिर रोटेट भी कर सकते हो, लेकिन वो ग्रुप में रोटेट होंगे, ग्रुप में मूव होंगे, ग्रुप में स्केल होंगे। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल ईच ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है उसके लिए ट्रांसफॉर्म ईच का एक ऑप्शन। आप शेयर भी करोगे तो अभी ग्रुप में ही शेयर होगा, इंडिविजुअल शेयर नहीं होगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्म पैनल तब यूज करना है जब आप चाहते हो ग्रुप में कोई काम हो या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे कोई काम हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एंड यहाँ से मैं एक स्क्वायर ही बना लेता हूँ, राइट। यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के एक स्क्वायर बना लेता हूँ। आज ज़्यादा आप डिज़ाइन या फिर शेप्स वगैरह में मत जाना, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है मैं जो है आपको समझा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से मल्टीपल स्क्वायर्स को बना लेते हैं, कंट्रोल डी। अभी इस पे मैं ट्रांसफॉर्म ईच करके बताऊँगा। अगर आप सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सारे स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो इसको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट पे जाओ, अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाओ, यहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन पैनल ओपन होने पे आपको क्या दिखेगा, वही सारा चीज जो कि हमने ट्रांसफॉर्म पैनल में स्केल मूव रोटेट एंड अदर कुछ ऑप्शन, लेकिन ये ईच ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्केल हॉरिजेंटली इसका परसेंटेज इंक्रीज कर, तो आप देख सकते हो ये ग्रुप में मूव नहीं हो रहा है, ये इंडिविजुअल मतलब ईच ऑब्जेक्ट अपना अपना हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, सॉरी स्केल कर, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे जो है इसका स्केलिंग अप्लाई हो। सिमिलरली वर्टिकली में भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली स्केल हो। ऐसे अगर मूव करना चाहो ये इंडिविजुअली मूव कर रहा है, अगर इसको मूव करना चाहो वर्टिकली तो भी आपका मूव होगा वर्टिकली, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मूव होगा। ऐसे आप मूव या फिर स्केल कर सकते हो इंडिविजुअल, रोटेट भी करना चाहो देख सकते हो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो रहा है, ग्रुप में ये रोटेट नहीं हो रहा है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को भी आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। एंड अगर रोटेट करते करते आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, ये है रैंडम ऑप्शन। अगर रैंडम को क्लिक कर दोगे एंड तब मूव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट रैंडमली मूव करेगा, यूनिफॉर्म में मूव नहीं करेगा, एंगल तो मैं सबके लिए
सेम दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 41 डिग्री है, या फिर सॉरी यहाँ पे मैं एंगल अपने हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन ये जो मूव रैंडमली कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने रैंडम ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है। रैंडम ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये रैंडमली मूव करेगा, ऑफ कर दोगे तो यूनिफॉर्म एंगल में मूव करेगा सारा। ऐसे आप मूव करके भी आप जो है अच्छे अच्छे पैटर्न या फिर डिजाइन बना सकते। यहाँ पे स्केल स्ट्रोक्स या फिर स्केल रेडियस का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि उसमें भी था ट्रांसफॉर्म में, लेकिन ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्म तब यूज करना है जब आप ग्रुप में कोई करना चाहो या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में कोई चीज काम करना चाहो। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर ईच ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहो तो आप ट्रांसफॉर्म ईच का ऑप्शन यूज कीजिए। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से रेफरेंस पॉइंट को भी फिक्स कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसको एंगल देता हूँ लाइक दिस, तो आप देख सकते हो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्म ईच का यूज करके पैटर्न वगैरह बना सकते हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, पैटर्न्स ग्राफिक्स वगैरह बना सकते। लेकिन ये अभी आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ही है, इसको अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूँ तो ये मूव करेगा, अगर मैं ग्रुप में सिलेक्ट करके मूव करूँ तो भी मूव करेगा, राइट? सिर्फ जो आपने अप्लाई किया है वैल्यू वो सारे इंडिविजुअली अप्लाई होंगे, लेकिन आप इसको इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में मूव या फिर स्केल कर सकते हो नॉर्मल डायरेक्ट सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन टूल्स। तो बस यही सारा था। तो गाइस आई होप कि इस वीडियो से आपको ट्रांसफॉर्म पैनल के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ट्रांसफॉर्म पैनल को बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया हूँ। एंड ट्रांसफॉर्म ईच भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर नहीं देखे होगे पूरा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया तो एक से दो बार फिर से देखिए, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। एंड उसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन पे आपको रिप्लाई के थ्रू डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को दबा के जाना, ताकि नए वीडियो आने पे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएंगे, इतना गारंटी मैं अपने तरफ से हमेशा देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, जल्द मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में। एंड आपको नए नए वीडियो के थ्रू ज्ञान मैं प्राप्त करवाते रहूंगा, तो आप एडोबी के ऑल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।